नमस्कार, मैं यशी कुशवाहा HP न्यूज 24 से ताज़ा खबरों के साथ एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। राजगढ़ जिले के सुठालिया थाना क्षेत्र में वृद्ध महिला की नृशंस हत्या करने वाले हत्यारों को किया गिरफ्तार। पुलिस के अथक प्रयासों से मिली सफलता। कोरोना संक्रमण महामारी के इस दौर में लॉकडाउन के चलते जहाँ जनमानस विपरीत परिस्थितियों में अपने घरों में रहकर जीवन यापन करने को मजबूर है, वहीं सुठालिया के ग्राम सालरिया खेड़ी में दिनांक 16 मई को एक वृद्ध महिला की हत्या की खबर ने सभी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और सोशल मीडिया पर भी इस खबर को काफी वायरल किया गया। जिला पुलिस ने भी मामले में तेजी दिखाते हुए हत्या की गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझाने में बड़ी सफलता प्राप्त की। पुलिस टीम ने अथक प्रयासों से घटना दिनांक के 6 दिन के अंदर ही भूली बाई के हत्यारे राम सिंह पिता वीरम बलाई निवासी ग्राम सालरिया खेड़ी, वीरम पिता देवजी बलाई निवासी ग्राम सालरिया खेड़ी को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे में से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी एवं लूटे गए चांदी के 300 ग्राम के कड़े, कीमती लगभग 12,000 रुपये एवं मृतक की भूली बाई का एक पैर बरामद किया गया। आरोपी गणों को जल्द ही माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। इस कार्रवाई में सुठालिया थाना प्रभारी जगदीश गोयल, सूरज सिंह जादोन, अरुण जाट थाना देहात, थाना ब्यावरा, नंद किशोर दांगी, मनोहर साहू, अरविंद शर्मा SDOP कार्यालय ब्यावरा, आर सूरज चावलिया, प्रदीप राजपूत, चंद्र किशोर मीना, विनोद चौधरी, राजेश SDO कार्यालय ब्यावरा, महिला आरक्षक प्रीति राजपूत, इतिश्री, अंकिता राजपूत, शशांक यादव साइबर सेल राजगढ़, कैलाश नायक, बनेश सिंह, सतीश त्यागी कार्यालय ब्यावरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ब्यावरा से यशी कुशवाहा की रिपोर्ट। दिनांक 16 मई को शनिवार के दिन हमको डायल 100 पे इवेंट आया था कि सालरिया खेड़ी में सापल नाला है, वहाँ पर एक वृद्ध महिला पड़ी हुई है जिसके पैर कटे हुए हैं। वहाँ पर हमारा फोर्स पहुँचा, घटनास्थल का पूरा निरीक्षण किया, देखा तो वृद्ध महिला जिसकी उम्र लगभग 85 वर्ष थी, उसके दोनों पैर टखने के नीचे से कटे हुए थे और किसी व्यक्ति द्वारा लूट के उद्देश्य से उसका हत्या की गई थी। जी, तो मामले का खुलासा क्या हुआ? मामला बहुत ही गंभीर था, इसके लिए थाने पर हमने एक टीम का गठन किया गया जिसमें सभी टीम ने बहुत ही लगन से काम किया। पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हमको समय समय पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उन्हीं के निर्देशन और मार्गदर्शन में हमने ये 6 दिनों में ये मामला पूरा खुलासा किया है। इसमें हम लोग ने पूछताछ की तो जो मृतिका है भूली बाई, वो आखिरी बार अपने सामने रहने वाले राम सिंह और उसके पिता वीरम सिंह के साथ देखी गई थी। इसी के संबंध में हमने तस्दीक की गई और पूछताछ की गई। राम सिंह और वीरम से हमने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हमने इनके साथ शराब पी थी रात्रि में और शराब पीकर इनके बीच कुछ विवाद और गाली गलौज हुआ जिसमें वीरम सिंह और राम सिंह ने इसका गला दबाकर इसकी हत्या कर दी और पूरी घटना को अंजाम देने के लिए उन्होंने उसको सापर नाले में, दोनों ने पिता और पुत्र सापर नाले में मृतिका को फेंका और उसके पैर काट लिए और उसके जो चांदी के कड़े पहने हुए थे वो लूट ले गए। ये पूरी घटना इन्होंने कुल्हाड़ी से उसके पैर काटे थे। घटना के संबंध में हम लोग ने फिर तस्दीक की तो हमको एक कुल्हाड़ी और जो कड़े थे वो हमने बरामद किए हुए हैं और दोनों आरोपी अभी हमारी हिरासत।